आइए टॉप टेन में सबसे पहले अदानी ग्रुप के शेयर ही रहेंगे आज एक्शन में पूरे के पूरे। आज है अदानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ का आखिरी दिन, अब तक बढ़ा है सिर्फ 3%। क्वेश्चन मार्क समझ तो गए होंगे आप, बिल्कुल भरेगा या नहीं। सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट आज के लिए यही है, सुबह इस पर बात भी हम कर रहे थे। अदानी ग्रुप स्टॉक्स के साथ ही रहेंगे क्योंकि अदानी पोर्ट और अंबुजा ये भी फोकस में रहेंगे। कल जो खबरें चल रही थी मीडिया रिपोर्ट्स की बायबैक आने की तैयारी में, उस पर क्लैरिफिकेशन आ गया है, कोई बायबैक की प्लान इस समय तो नहीं है। खबर का पूरी तरह से इन्होंने खंडन किया है जहां तक अदानी ग्रुप का सवाल है। बीपीसीएल इसके आए हैं नतीजे दिख रहे हैं मजबूत, उम्मीद से काफी बेहतर आते हुए दिखे। 1,20,000 करोड़ का रेवेन्यू भी किया है, कामकाजी मुनाफा भी 3800 करोड़ के सामने 4,235 करोड़ का निकल कर आया, तो घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, 304 करोड़ का मुनाफा भी दर्ज किया है, तो 304 करोड़ के नुकसान के सामने 1960 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया, तो हर एक फ्रंट पर बीपीसीएल के नतीजे दिख रहे हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही नजर रखिए एलएनटी पर, यहां पर आपने नतीजे थोड़े मिले जुले आते हुए देखे हैं। आय 17% बढ़ी है, मुनाफा 24% आपके लिए बढ़कर आया, थोड़ा कामकाजी तौर पर अनुमान जितने अच्छे मार्जिन्स नहीं थे इनके, बट ठीक नंबर से ऑर्डर बुक भी ठीक ठाक थी, तो एलएनटी इस पर भी रहेगा पूरा फोकस। टेक महिंद्रा नतीजे मिले जुले हैं, कुछ पैरामीटर्स पर देखेंगे तो आपको बेहतर दिखेंगे। रेवेन्यू 4.5% बढ़कर आया, डॉलर रेवेन्यू करीबन 2% बेहतर है, मुनाफा फ्लैट है और मार्जिन 12% के आसपास है, लेकिन गाइडेंस हेडकाउंट में कमी, ऑर्डर इनफ्लो थोड़ा धीमा। देखते हैं स्टॉक में आज किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है टेक महिंद्रा। आज तो स्टॉक ऑफ द डे भी था टेक महिंद्रा, इस पर रहेगा फोकस। बट मैंगलोर नाम से दोनों कंपनीज का शानदार प्रदर्शन है, मैंगलोर केमिकल्स आय 54% बढ़ी है, मुनाफा 2.5 गुना बढ़कर आया है, कामकाजी मुनाफा 2 गुना डबल हो गया है और मार्जिन देखिए 8.5% से 12% हो गए, तो बहुत ही शानदार नतीजे मैंगलोर केमिकल्स की तरफ से। एमआरपीएल के भी नंबर्स अच्छे कहे जा सकते हैं, रेवेन्यू 8% बढ़ाया, लॉस कम होकर 188 करोड़ पर आया, 1790 करोड़ से घाटा काफी कम हुआ है, ऑपरेटिंग लेवल पर कंपनी प्रॉफिट में आई है, जिन्होंने जो 2000 करोड़ का लॉस किया था उसके सामने 287 करोड़ का मुनाफा किया है। IIFL फाइनेंस बढ़िया नंबर्स यहां पर भी आए हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम देखिए 15% बढ़ी है, मुनाफा 22% बढ़ा है, एसेट अंडर मैनेजमेंट 24% बढ़कर आए हैं और सबसे बढ़िया बात ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में ही सुधार आपने होते हुए देखा है। दमदार रिजल्ट IIFL फाइनेंस के अनडाउटेडली। और एक और अच्छी खबर एस्ट्रल लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए 7 फरवरी को बोर्ड बैठक है, बोनस देने पर होगा विचार। साथ ही कच्चे तेल के दाम भी गिरे तो इसका भी फायदा होना चाहिए इस पर। और वोडाफोन कल फोकस में था, 4% ऊपर था, आज इस पर रखिए नजर, खास फोकस में आ सकता है, बोर्ड बैठक है फंड रेजिंग को लेकर, अब क्या निकल कर आता है उस पर नजर रहेगी, बट वोडाफोन भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। यह है बाजार के टॉप 10 स्टॉक्स।